Thank you, sir. सब तो काली दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि भाई प्रॉब्लम वाला है। इधर ऐसा रखे चलेगा, ये मैं छुपा लूंगा तेरे, तीनों काले हैं। Thank you, everybody. You did so amazing. Thank you. I think हमारे पास आजकल बहुत टाइम है और कंटेंट के लिए जो अवेलेबल एवेन्यूज है वो कम है. तो विथ ऑडिबल सुनो, आई थिंक इट्स जस्ट टाइम फॉर यू टू लाइक जोन आउट द नॉइज एंड ट्यून इन टू रियली गुड कंटेंट, एंड दैट्स द स्पिरिट. आई थिंक विथ ऑडियो आपकी इमेजिनेशन रन्स फार वाइल्ड दैन व्हेन यू यू नो वॉच एन ऑडियो विजुअल मीडियम. So for me, audio is just a way to expand your imagination in its own self. Okay, the Amazon is bringing, it will be the first time that there is only the audio, there yes. is no visual. So yes. What would you like to say about the new concept? I think it's been a concept that has taken over the West many, many years ago. In fact, I have been listening to audiobooks for a very long time. पर्सनली मेरे लिए इट्स रियली डिफ़िकल्ट कि मैं किताब उठाऊँ और वो पूरी किताब पढ़ूँ, बिकॉज यू नो समटाइम्स गुड कॉन्टेंट हैज़ अ लॉट ऑफ पेजेस टू फिनिश. लाइक फॉर एग्जाम्पल सीक्रेट गेम्स इज़ लाइक 900 पेजेस, बट इट्स ईजियर टू फिनिश द बुक वन यू आर लिसनिंग टू इट. एंड द बेस्ट थिंग इज़ यू कैन लिसन टू इट वाइल यू डूइंग एनी थिंग, यू कुड बी ट्रैवलिंग एनी वेयर, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली आई थिंक जस्ट स्विचिंग आउट ऑफ जस्ट ऑडियो बुक्स, यू आर गेटिंग टू dwell into the minds of incredible people who are bringing you such diverse content, from self-development to comedy to entertainment to music to film stars, everything on one platform. So can you ask for more? I would listen to I listen to podcasts, I listen to audiobooks, and I listen to a lot of fresh content, and I'm a storyteller. So for me, स्टोरीज आर अ वे टू एक्सपैंड योर ओन सेल्फ, बिकॉज जो पावर कहानियों में होता है वो शायद ही किसी और जगह में होता है. सो आई थिंक स्टोरीज हैव अ पावर टू शिफ्ट समथिंग इनसाइड यू, टू मूव समथिंग इनसाइड यू, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली स्टार्ट अ डिस्कशन. सो ऑडियो इज द वे मैम. थैंक यू. थैंक यू जी. यस बेबी. आप बीच में आओ ना. थैंक यू.
एक्साइटमेंट काफ़ी है क्योंकि नया प्लेटफॉर्म है और कोशिश यही है कि ये जो शुरुआत की है ये रेगुलर हो जाए आप क्योंकि इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं और आई होप एक नया एक्सपेरिमेंट है कि वो सक्सेसफुल हो। ओके नवाज सर, आपने भी शायद एक चीज़ को वॉइस दी है, उसके बारे में कुछ कहना चाहिए? एक क्राइम स्टोरी है जिसके लिए मैंने अपनी आवाज़ दी है और आवाज़ के पूरी एक स्टोरी है, उसमें बहुत सारे कैरेक्टर हैं, सबकी आवाज़ दी है मैंने उसमें और एक कंप्लीट स्टोरी है। सिर्फ विजुअल की कमी है लेकिन वो विजुअल जो साउंड से जो कंप्लीट करेगा वो एक इंटरेस्टिंग पार्ट है उसका। जब भी आप उसमें ट्रैवल करते हैं, कुछ करेंगे, जब ये आप ऑडियो सुनेंगे तो क्या पसंद करेंगे आप सुनना, कोई स्टोरी हो गई या क्या सुनना पसंद करेंगे कहाँ पे? जब भी आप ट्रैवल करेंगे या कुछ करेंगे? हम लोगों का क्या है कि ज़्यादातर जो टाइम जाता है वो देखने में और सुनने में जाता है, बट उससे क्या होता है कि आपकी इमेजिनेशन वहीं ज़ीरो पे ही रहती है। इससे क्या होगा, अगर आपको सुनेंगे इसको तो इमेजिनेशन ट्रैवल करेगी आपकी, विच इज़ वंडरफुल एक्चुअली, वो एक नया एक्सपेरिमेंट है। मेरी तो अभी ऐसा कुछ, अगर बाद में कुछ ऐसा आएगा तो देखेंगे, अभी तो फिलहाल ऐसा तो मेरा। मैं इस प्लेटफॉर्म के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ। हमने बहुत लुक दे मैं इस प्लेटफॉर्म के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि हमने एक बहुत ही शानदार शो किया है, ऑडियो शो किया है, जिसका नाम है आज़ाद आवाज़। इट्स अबाउट द LGBTQ कम्युनिटी और इंडिया में ये पहला LGBTQ कम्युनिटी के बारे ऑडियो शो बनाया गया है। और इस शो में हमने 10 एपिसोड अभी रिकॉर्ड किए हैं और हर एपिसोड की कहानी बहुत ही यूनिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग, हर गेस्ट की कहानी बहुत ही यूनिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट समथिंग लाइक दिस इज़ हैपनिंग इन इंडिया एंड आई फील दैट इट्स गिविंग अ वॉइस टू पीपल हु डोंट यूजली हैव एन अपॉर्चुनिटी टू टेल देयर स्टोरीज। तो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट द लॉन्च ऑफ दिस ऑडियो शो। बहुत ही इमोशनल और बहुत ही इंटेंस एक्सपीरियंस रहा क्योंकि हर गेस्ट की कहानी बहुत बहुत ही यूनिक थी, बहुत ही डिफरेंट थी, बहुत ही इमोशनल थी और एक मुझे वहाँ पर उनके साथ रिकॉर्डिंग रूम में बैठ के उनकी कहानियाँ सुननी थी, उनकी कहानियाँ अब्जॉर्ब करनी थी और उनसे और उनकी कहानियों में मुझे कंपैशन और एम्पथी ढूंढनी थी। एंड इट वाज अ वेरी इमोशनली चार्ज्ड एक्सपीरियंस फॉर मी। आज़ाद
साथ आवाज नाम से ही पता चलता है कि ऐसे बहुत सारे लोगों की आवाज़ को शायद आप लोग रेज करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। जैसे हम LGBT की बात कर ले, उनकी बात पे उनकी डिमांड हमारे सोसाइटी में सुनी नहीं जाती, ऐसे कौन कौन सा टॉपिक आपने चूज किया है ये अगर आप कुछ बता सकें थोड़ा बहुत? तो हमारा तो हमारे पहले सीज़न में 10 एपिसोड हैं और पूरे और हर एपिसोड एक दूसरे से अलग है। हमारे पहले एपिसोड में देयर इज अ लेस्बियन कपल, दूसरे एपिसोड में देयर आर टू गे गाइस, तीसरे एपिसोड में देयर इज अ ट्रांसजेंडर एंड हर मदर, और फिर वी हैव इंडियाज फर्स्ट ट्रांसजेंडर पायलट, we have the section 377 lawyers, we have very famous fashion designer Manish Arora jinke kapde aaj maine pehne hain, we have Vicky Kaushal and Richa Chadda on one episode who are big supporters of the LGBTQ community. So har episode mein bahut har episode ek dusre se alag hai aur har episode mein bahut hi unique kahaniyan di boli gayi. Thank you. Yes sir, so Audiobel suno ek naya platform ji, to aap bataiye aap kitne excited hain aur hame aapka bhi show kuch dekhne aur dekhne ko milne wala hai ji, zara mere uske bare mein zara aapko sunne ko milne wala hai mera show chadi. Main bahut hi excited hu. Mere hisab se jo storytelling ka sabse pure form hai wo audio hota hai, kyunki jab aap kahani sunte hain तो आप ये नहीं याद रखते कि आपने क्या पहना था, मैंने क्या पहना था, कि रूम कैसा था, बस जो कहानी सुनी है आपने वो आप याद रखते हैं. मेरा जो शो है उसका नाम है बी स्ट्यूपिड, जहाँ बहुत ही बेवकूफ़ लोग जो मेरी तरह बेवकूफ़ हैं, जिन्होंने बहुत ही ख़राब डिसीजंस लिए हैं लाइफ में, उनके साथ क्या कांड हुआ है उनकी वजह से, उसके बारे में बात करते हैं. तो शो का नाम बी स्ट्यूपिड. बहुत अच्छा रहा. हमने करीबन 4 महीने के लिए रिसर्च किया और 15 नॉर्मल लोगों के साथ बैठा हूँ मैं और उनकी कहानियाँ सुना मैं. तो सेलिब्रिटीज़ नहीं है ना, मैं अपने बारे में बात करता हूँ, लेकिन एक बच्चे को एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है लेकिन वो एक माउंटेन क्लाइंब करना चाहते हैं, एक 90 साल के आदमी हैं जो अपने पूरी फैमिली को लव मैरिज के लिए छोड़ चुके हैं, बहुत ही बेवकूफ़ी के जो डिसीजन होते हैं उनके बारे में बात करते हैं. बहुत अच्छा लगा. यस, द शोज़ आई डू आर अबाउट मी, लेकिन ये जो शोज़ हैं नॉर्मल पीपल के बारे में है, तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक मैं इसमें एक ऑडियंस मेंबर हूँ और इनकी कहानियाँ सुन सुन के मैं कॉमेडी बनाता हूँ उससे. अच्छा, ठीक है, थैंक यू बॉयज. चलो जी. मैंने एक कहानी सुनाई है, इसमें नरेट की है, मैंने एक कहानी नरेट की है, इसमें कहानी का नाम है काला गुलाब. वेरी नाइस, आई लव द टाइटल. ऑडियो प्लेटफॉर्म मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है और नया एरिया है और आई होप इट इज़ रिसीव वेल, बिकॉज मुझे लगता है कि इसमें क्रिएटिविटी के और क्रिएटिव मटेरियल के लिए बहुत पोटेंशियल है, राइटर्स के लिए, एक्टर्स के लिए, यू नो, वॉइस आर्टिस्ट के लिए.
म्यूजिक के लिए. सो आई विश देम ऑल द बेस्ट विद ऑडिबल सुनो एंड आई एम हैप्पी, आई एम रियली हैप्पी टू बी एसोसिएटेड. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं ऑडिबल सुनो से एसोसिएट हुई. थैंक यू. हेलो अगेन. ऑडिबल ऑडिबल सुनो नया प्लेटफॉर्म. तो आप बताइए कि आप कैसे सकते हैं एंड क्या हमें कि आपके जी बिल्कुल. तो ऑडिबल सुनो पहले तो सॉरी हेलो ऑडिबल सुनो पहले तो बता दूं कि एक फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप है तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं. बहुत सारे डिफरेंट जॉनर्स के शो आ रहे हैं. थ्रिलर है, कुछ बहुत मस्ती वाले शो हैं, फनी शो है, सैड शो है, हैप्पी शो है, सो हॉरर शो है. सो आई गेस मैं भी वेट कर रही हूँ लॉन्च होने का. द शो दैट आई एम होस्टिंग इज कॉल्ड मैट्रिमोनियल एनोनिमस. वहाँ पे बहुत सारे लोग सामने आकर उन्होंने अपनी कहानियाँ शेयर की हैं कि किस तरह से उन्हें अपना लाइफ पार्टनर मिला और किस तरह से उनकी शादी हुई. सो इट्स अ फन शो एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म. ऑडिबल इज समथिंग दैट आई हैव पर्सनली यूज्ड फॉर लास्ट 4-5 years बिकॉज you know whether you are in a car or you know you're doing some housework or running or walking or doing some exercise, you can just put on your headphones, download the app on your phone and listen to it. So and I love books, so I love audiobooks as well. Ji, uska naam Matrimonial Anonymous hai. Abhi bata. Okay. Aapki jo bhi movie hai, bahut hi appreciate kiya hai. One of the most appreciated movies was Old. Aur ab wo China mein bhi release hone wala hai. So how excited are you? Bahut excited hu. In fact, maine Reema ma'am ko message kiya tha. Ye news aate hi ki ma'am hum kyun nahi ja rahe hain China. But I guess everybody is busy. So I have never been to China. I hope and maine suna hai ki they love Indian films over there. So I hope that they like Gold as well. जी मुझे कुछ नहीं पता. आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आस्क अबाउट ब्रह्मास्त्र. नो प्लान राइट नाउ. आई लेट्स सी इट्स माय न्यू ईयर प्लान्स आर ऑलवेज लास्ट मिनट. आई लाइक टू वर्क टिल आई कैन एंड देन प्रोबेबली व्हेन हाउएवर डेज आई हैव लेफ्ट देन आई टेक ऑफ समवेयर. यस हाई एवरी वन, विश यू ऑल अ वेरी मेरी क्रिसमस एंड अ हैप्पी न्यू ईयर. आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं. थैंक यू. ओके हेलो, मैं हूँ मोनी रॉय और आप सभी को न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं. थैंक यू. मैंने एक इसमें प्रोग्राम किया है जिसका नाम है ए दिल है कॉम्प्लिकेटेड, जिसके मैंने 24 एपिसोड किए हैं, जिसमें रिलेशनशिप्स के ऊपर बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर जो राइटर हैं उन्होंने अपनी जीवन के बारे में कुछ एक पार्ट कहा है और मैंने उसके बारे में उनसे इंटरव्यू लिया है, उनसे डिस्कशन की है ताकि उस विषय के बारे में खुलासा हो सके. सो दैट इज़ व्हाट आई हैव डन फॉर मेरा बहुत अच्छा रहा क्योंकि ऐसे ऐसे टॉपिक्स थे कि मुझे बिल्कुल कुछ तो बहुत शॉकिंग थे, कुछ बहुत इमोशनल थे. तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला. एक तो यू कैन नॉट बी जजमेंटल व्हेन यू आर डूइंग दिस, कि अगर आप फॉर एग्जांपल अगर ओपन मैरिज है, अगर मैं विश्वास नहीं करती तो ज़रूरी नहीं है कि वो आदमी गलत कर रहा है. सो इस तरह के बहुत अच्छे एक्सपीरियंस हुए. यस
Show, and it's a subject very close to my heart, and I'm very kicked about it. It's a quirky, fun, happy show, but it deals with something really serious. Yeah. Okay, have you lent your voice to some stories or anything? No, it's my own show. So my show is called My Expressed, and I've given my voice, and it's my story. I am very, very happy, and I'm so glad he's doing a fantastic job. He's picking up some good scripts, and he's really evolved and grown as an actor, and I'm happy. I made a short film abhi banayi hai Neena ji ke saath. Vineet Monga has produced it, and it's a very sweet film, simple si hai, straight from the heart. Nothing complicated, but again, it's the voice of a woman. So it's I really look forward to sort of releasing it and seeing logon ko kaise chhilti hai. Thank you. It sounds very catchy, very nice. I am excited because it interests me for the fact that I do not know much about what's going to happen when I go inside. So that's why I'm quite interested, as it's quite a mystery that it's created in my head. Would you have lent your voice to any of the story in December? Well, no, I haven't, but I'm here to be a part of this interesting event, which includes all of these elements that I'm, getting to know. And I think it's a lovely space and a lovely initiative. And I'm quite happy to be a part of something that's quite new, quite creative, and that adds a mystery element in everyone's head who don't know much about what entirely is it going to be when you go inside. So yeah, I'm quite excited about it. Thank you. Have a pleasure. Thank you so much. Thanks. Would you like to? बहुत एक्साइटेड है. बहुत लोग हैं जिनको टाइम नहीं मिलता बुक्स पढ़ने का, और आई मीन पर्सनली बीइंग फ्रॉम अ क्रिएटिव फील्ड, बीइंग अ म्यूजिक प्रोड्यूसर, मेरे हिसाब से तो आई थिंक मैं आई वुड रादर प्रेफर लिसनिंग टू अ बुक देन एक्चुअली टेकिंग द टाइम आउट. हालांकि ऑफकोर्स रीडिंग अ बुक इज़ द ट्रेडिशनल एंड द यू नो राइट वे ऑफ डूइंग इट, बट आई वुड लव टू हियर. आई थिंक अरे नवाज जी की आवाज़ में मेरे ख्याल से बुक बहुत मज़ेदार होगी, एंड काफ़ी अच्छे लोग हैं इनफैक्ट इन्वॉल्व हैं. सो इनफैक्ट द फैक्ट दैट यू हैव सच बिग एक्टर्स और हमारे जो बिल्कुल ही दिग्गज लोग हैं, दे आर पार्ट ऑफ दिस, इज़ अ ग्रेट थिंग. On any other day, you would just be listening to me, but now you're seeing me. Yeah, okay, no, that's not going anywhere. All right. Thank you, everybody, for taking the time to join us this evening as we unveil something that is truly special,
something that is truly unique, something that will ensure that you will never ever be bored again. And I know I'm really excited, but I'm going to try not to get ahead of myself. The point is, you've waited really long for this. I mean, a whole 18 months in the making and the becoming of it. And you will soon find out what we are unveiling. I mean, if you haven't figured it out yet, then you're definitely a gatecrasher. Ladies and gentlemen, as most of you already know, Audible is the world's leading seller and producer of downloadable audiobooks and other spoken word entertainment. After getting the Western world hooked on November last year, and well, clearly the reception has been outstanding. So thank you, India, for making it such a success. You know, all those people who used to have pride, of having an Audible premium account in the West, which is thrilled to have and attain and avail this service here in India, and the avid readers who are so hard-pressed on time quickly jumped onto the app so that they could enrich their lives one audiobook at a time. So before I go into any more textual matter, I'm going to give you this moment to soak it all in. Here's a quick peek into the Audible journey so far. Free to absolutely take this person at face value. Please welcome on stage the man of the hour, the innovator, founder, ladies and gentlemen, Audible's founder and CEO, Don Katz. Well, thanks everybody. So I don't jog anymore, but I do continue to play ice hockey, which is why I limped up here, because I pulled my hamstring. So that makes me wonder why I'm bothering to talk to you, but being me, I will go ahead and talk for a while. I'd like to try to express how meaningful and moving the launch of Audible Suno is to me as the founder, and how humbled I am to be in this company with so much profound talent drawn from so many realms of this famously vibrant and deeply creative Indian artistic community. I was a professional writer for 20 years before Audible was created, writing long books and long articles, long narrative articles, and I tried to convey stories that are about people willing to die for a cause in global conflicts. I did that for years. And I tried to humanize the dramas of organizational and economic life in books I wrote. And before that, I was lucky enough to have the great American novelist Ralph Ellison as my teacher and mentor. And from Ralph, I really learned what it meant to read, and I learned to hear the music and well-composed words. And so from Ralph, I learned that the sounds of an oral storytelling culture, the democracy of early American voices, really created the voice of American written literature. American writers like Stephen Crane and Mark Twain, they wrote like Americans when other American writers were still writing like Brits. Because these writers listened to the stories of the street, they listened to the stories of the campfires and the boasting of salesmen and the lamenting of slaves in the fields. So when I left the writing life to start a company, the New York Gossip columnist said I had abandoned a perfectly text itself to make a company based on the power of the spoken word, something that wasn't really even a media mainstream phenomenon. So I used to give speeches defending my idea for Audible. I said that books and magazines were enabled by technological innovation, as was the world of film and TV. But that oral storytelling was the preferred mode of artistic expression for centuries, going back to the Greeks. India's own special oral tradition, from the Vedas to the Upanishads to the Kathas, the recitations of the Brahmin priests, were in our minds when we imagined Audible Suno. So it was 1994 that my writer's curiosity caused me to become obsessed by the idea that the future held everybody walking around these little digital devices packed with all the civilization's most important words and ideas, which incidentally everybody thought I was crazy because it was way back when. But Audible was created in 1995. I was in my 40s. My wife still calls it a non-toxic midlife crisis. And I set out to build the first commercial digital audio player with a team of amazing people. This was 5 years before the iPod. And from there, went on to become part of the lifestyle of tens of millions of people around the world who pay us to listen to Audible audio. So we've actually earned the loyalty of millions of listeners who right now spend 2 hours a day listening to Audible when they listen.
We delivered 3.5 billion hours of paid listening to customers around the world in the past 12 months, and I'm proud to say that Audible's directly employed 20,000 different working actors around the world over the past 5 years. I didn't know there were 20,000 working actors, but there are, and I'm happy that we've been part of their lives. So we have these people principles that you have to understand to come to work with us, which I encourage you to check out. It includes statements of purpose that we try to really be different from other companies I know of. It says that we exist to pursue what a company can mean in ways that transcend what it does. This includes us working to address urban inequality in America by moving our company to one of the most economically disadvantaged cities, Newark, New Jersey, and doing many things to create change beyond sending checks to charity. The people principles for Audible Plays also read, we serve the writers, actors, and other creative professionals who craft the words we deliver. At its best, Audible is an inspiration platform, a movement, a cause, and leaders who stand out operate at the cutting edge of the arts and sciences. We draw inspiration from artistic creativity, from the truths and wisdoms conveyed through the ages, from the most advanced of emergent technologies, and from the sciences focused on the study and calibration of the human condition. We hear the culture's drumbeat. I often talk about the seductive intimacy of an audible listening aesthetic. It's usually a private performance. And a University College of London study found that listening to Audible is actually more emotionally engaging than watching TV or film, generating a more intense physiological, psychological, and emotional reaction. The images of the brain from these studies show up like that. It's all lit up, the globes of the brain that are part of emotion as we take listeners away. So I've been thrilled to just meet so many of the amazing actors, writers, directors, producers, soundscape designers who've come to work with us in our amazing Audible India team. And from the start, I'm just amazed, but Audible soon will start with Indian listeners. Just look at this. They will allow people to escape to other worlds, to cry, to be terrified, to laugh hard, to think about the realities of modern life because of Sunu's fearless address of the modern realities of Indian life in so many levels. You can listen for keys to living a deeper and more spiritually informed life, or how to be inspired to achieve success in more material ways, or in whatever ways success is for you. I was proud to hear here in Mumbai, it's only 13 months ago, to launch our first Indian service, featuring 200,000 audiobooks and Audible originals for download, our ninth language outlet, and a service that is more popular than even our Audible dreamers ever imagined it would be. Today, we are all so proud of the powerfully performed words that are inside Audible Sunu and the many more original programs to come, the sound of the future. And we've decided to make this, as you probably know, the first all-free service that is launched completely free and completely without advertising. And we'll also include our best in the world, you can kind of look this up, personalized customer service support for every listener. Even though it's free, this is how proud we are to be part of India's profound and impassioned storytelling. I loved being a writer because I could get an idea about a story and I'd work hard and I'd make it real. And I'm proud that an idea that most people thought was crazy back in 1994 has become Audible. And I'm thrilled and grateful to witness the idea for Audible Sunu becoming real tonight and so quickly, and to be here to celebrate with so many of the world's, not just India's, most talented individuals. So thank you all for being here. I want to start by saying that, you know, it's so humbling to just be in front of this accomplished and celebrated audience, and to be able to represent a team. To just show that you're in for, then actually this kind of see, and you'll kind of suno. जी हाँ, जैसे हम लोग फिल्मों में करते हैं, ये ऑडियो शो एक नए किस्म का सिनेमा है जिसमें इमेजेस हम नहीं शूट करेंगे बल्कि आप इमेजिन करेंगे। मुझे तो इसमें पूरी फिल्म का मजा मिल रहा था, कान से देखने वाला। ना फ्रांस गए, आपको मिल गया ना कान वाली फिल्म का मजा। मैं कोई फिलोसफर नहीं, पर दुश्मन तीन किस्म के होते हैं, पहले वो जो तुम्हारा बुरा चाहते हैं,
सामने आ जाए तो मन करता दो जड़ दो सालों को, जड़ न पाओ तो भी सोच का अच्छा लगता है। दूसरे होते हैं जाने दुश्मन, जिनको मार ही चैन मिल सकता है मगर मार सकते नहीं, क्योंकि वो भी कोई चूते होते नहीं, वो भी तो मार सकते हैं। इसलिए मन ही मन गाली दे के काम चलाना पड़ता है और हमेशा बच के निकलना पड़ता है इनसे कि कब क्या करते हैं। पर सबसे खतरनाक दुश्मन होते हैं तीसरे किस्म वाले, एकदम मादर चोद, ये होते हैं रिश्तेदार। इनको तो साला गाली भी नहीं दे सकते, पता नहीं उनकी माँ चोदने जाओ तो अपना क्या चुन जाए। चिड़ी तो दिव्या पहले से बैठी थी, अब उसे गुस्सा भी आने लगा था। उसने अपना पर्स उठाया और देखने लगी। अभी 8-9 है मेरे पास, बाकी एटीएम से निकाल के देती हूँ। अक्षत उसे ऐसे देख रहा था जैसे दिव्या जू में आया कोई नया जानवर हो। भिखारी समझाए क्या, 1,000 नहीं 1,00,000। हाँ, दिव्या को भरोसा नहीं हुआ। मुझे कल तक चाहिए, नहीं तो मैं इसका वॉज हो जाऊंगा। मैं कहां से लाऊं इतने पैसे, तू सोच। क्यों लाऊंगी मैं, और 20,00,000 तू पैसे की कीमत समझता है? दिव्या अब तक भड़क चुकी थी, पर अक्षत भी वहां प्रवचन सुनने नहीं आया था। क्योंकि चॉइस नहीं है तेरे पास, ये कहकर अपनी सबसे हरामी मुस्कान बिखेरते हुए उसने अपने मोबाइल में दिव्या को एक फोटो दिखाया। दिव्या के पैरों तले जमीन खिसक गई, उसका टॉपलेस फोटो, एकदम हार्ट अटैक सा हो गया दिव्या को। इतने लोग आसपास बैठे हैं, जाने किसे क्या दिखा होगा। मम्मी सच कहती थी, ऐसे हरामी से बच के ही रहना चाहिए। My left, the director of Thriller Factory, Anurag Kashyap. Nagu. And wait for it, the very sexy Nawazuddin Siddiqui. All right, so I'm going to walk up to you guys, give you this mic. I only did what you see me doing here this evening. And that man made me an actor, so ladies and gentlemen. Just for effect. All right. I don't know. Anurag. Yeah, that's easier. Anurag. I can't call him sir. So Anurag, please tell us. You know, after holding the mantle of creating such incredible audio-visual stories, what was it like to create something that engages the audience and holds their imagination and makes their imagination run wild purely through audio? What was that journey like for you? For me, this was the opportunity that came my way to actually feed my most base self instincts. Like, you know, something you grow up with, that gleeful Hindi bulb, and that Manohar Kahaniya, that Satya Katha, to bring that to life and do it in the way only Hindi speaking North Indian can do. And I couldn't have done it without Pravesh Bhardwaj, who's actually the one who went through the effort of, adapting all those Ved Prakash Sharma books. One of them actually inspired him to write his own. Wow. And to put it together with all that jazz music. Yeah. Set to the dialogues that you heard Nawaz speaking. Yeah. It was just such an incredible experience, you know. Like, I don't have this in my list, but what was it like to, play with absolute no censorship for you? It is very liberating in the sense, because this is what it is. This is what I grew up with. And I like the idea of having no censorship. Because, then you can put yourself totally out there, unashamed. Amazing. Well, thank you so much. May I request you to please pass the mic on to Tabu. Hi. Hello. How are you? Good to see you again. All right, please share. गालियों वाला मुझे क्यों नहीं दी कहानी? आपको टॉपलेस वाला दिया ना मैम? क्या मैम? चलिए बोला है। मैम,
मैम अभी प्लीज हमें बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा बोलने का? बहुत अच्छा था क्योंकि हेयर एंड मेकअप का टेंशन नहीं था ना मिरर देखने की जरूरत पड़ी ना कुछ फिर भी एक्टिंग तो करनी पड़ी लेकिन सिर्फ आवाज से आपको तो बहुत मजा आता है मुझे बहुत मजा है एक्चुअली कन्फेशन के आई लव डूइंग वॉइस ओवर्स मैं अपने सारे डायरेक्टर दोस्तों को फ़ोन करके बोलती रहती हूँ हर 6 महीने में कि कोई वॉइस ओवर करवाना है तो प्लीज़ मुझसे करवा लो मैं स्ट्रगलिंग वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ वेल थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट विद अस एंड यस फाइनली अ मैन सो सेक्सी आई मीन व्हाट अ फेस व्हाट अ पर्सनैलिटी तो आपकी जो पर्सनैलिटी है वो आपके लफ्जों में आपके चेहरे पे नजर आती है मगर उसी पर्सनैलिटी को सिर्फ आवाज से दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपने क्या किया मुझे हिंदी आती है एक्चुअली जब हम लोग अपने उसमें रहते थे ना गांव में जी तो हमारे घर की खिड़की पे शीशा था मतलब लकड़ी के दरवाजे थे जी ठीक है और वो दूसरे मोहल्ले में खुलता था और हमारा जो घर था बोलो पहले आप मुंबई की बात कर रहे हैं ना नहीं दूसरे मुंबई में यही होता है आप अपना विंडो खोलो किसी और के कमरे में नहीं नहीं क्या होता था जैसे हमारा ये विंडो है हमारा घर इस तरफ है जी और यहाँ पे एक कोना था जी तो यहाँ पे लोग अजीब अजीब से लोग आते थे और बातें करते थे तो मैं खोल तो सकता नहीं था वो तो बहुत ही अजीब अजीब से वाक्य होते थे वहाँ पे जो सुनता था मैं और सुबह के मतलब कोई जो सुबह के अजान होते हैं ना तब से शुरू होता था तो एक बार क्या हुआ कि एक लड़का और लड़की आपस में बात कर रहे थे अब मैं दरवाज़ा वो लकड़ी का दरवाज़ा खोलूं तो चर चर मर की आवाज़ आई तो मैं सुनता था और कम से कम मैंने 1 महीने तक सुना लोगों की बातें 1 महीने तक चलते रहे बातें चलती थी अच्छा, ओके, क्या होता था बात आगे या पीछे मुझे नहीं मालूम बट वहाँ आके बातें करते थे वो तो मैं सुनता था मतलब मुझे शुरुआत हुई होगी मुझे पता चला कि जब वो पहले दिन मैंने सुना तो आई थिंक उनका वो पहला ही दिन होगा उनकी बात करने का और उनका ब्रेकअप हुआ 1 महीने के बाद तो सारी चीज़ें सारा पूरा कन्वर्सेशन मैंने सुना तो मतलब आप सिर्फ सुन के आपने अंदाजा लगा लिया कि ये लड़का ऐसा दिखता होगा मैंने सुना सुन के अंदाजा ये लगाया वो लड़का बहुत बुरा था और अगले जो हमारे गेस्ट है प्लीज इतना दूर ना खड़े मुझसे वो अनुराग कश्यप All right. So now, ladies and gentlemen, after this incredible rendezvous, his first ever self-dev show, which is self-development show, and he has created this exclusively for us. You are going to be listening to one of the best comedians of India, on Audible Cinema. Hello. Jai Shri Ram Mitro. Good to be here. Okay, I'm going to talk about my show. Should I start? Yeah, please. Okay. You got 2 minutes. If not the first time. if
सेंसरशिप पहुंच गया. यू जस्ट टॉक्ड अबाउट इट, अभी पहुंच गया. मित्रों बोलो तो पहुंच गया. Paycheck is gone. My name is Veer. Good evening. Every party needs one clown, one fool. So hello, I'll be playing that part for this evening. Chances are, if I'm writing a joke or any comedian is writing a joke, one of three things has happened. Either I have done something stupid, or somebody I know has done something stupid, or the government has done something stupid. We can agree on about two or three of those, depending on who you are. So I really believe that the life-changing decisions that we make come from stupid decisions. That intelligent decisions don't actually change our lives. It's when you don't think and you just jump and you do something extremely stupid, that is when great things happen in your life. And I wanted to do a show about that. Because no matter who we are here, how accomplished we are, how cool we are, how rich we are, at some level we're all very stupid and we do stupid things on a daily basis. You know, whether it is getting into the wrong relationship or spending all of your money or getting drunk or doing that drug or doing a show at famous studios during rush hour. So I didn't want to do a show where I talk to celebrities because all of celebrity stories have been told. I didn't want to do a show where I talk about myself because nobody's interested. So I wanted to do a show where I find 15 people who have made extremely stupid decisions and talk about the genesis of the stupid decision. What they were thinking when they made the decision and how their life worked out after the decision. So we researched all of India and found 15 very cool stories. From a boy who did drugs at a hippie fest and met a hippie who pierced his tongue in the middle of the night and he now has a split forked tongue. And how that has affected his work life, his social life and his love life. We met a man who is 93 years old and left his family for a love marriage at the age of 93. We met a girl who went from Mumbai to Goa in 10 days using nothing but 100 rupees. You know, just taking lifts, sleeping on the side of the road. But just to be safe, her husband followed her behind in a car 150 kilometers. We met a boy who had never been on fire.